पशिन के रहने वाले 96 फर्स्ट में कराची है और आते ही मैंने होटल में काम किया। मेरे चाचा साहब है जिनके हैदराबाद में भी होटल हैं और तारिक रोड वगैरह में भी है। तकरीबन मेरे सारे फैमिली वाले यही काम करते हैं, इनके साथ मैंने इस काम को शुरू किया। पहले तो मैं वेटरी के एतबार से काम करता था, फिर मैंने चाय बनाने का काम किया। तकरीबन मैंने 15 साल इसी काम को किया। ज़ेबिश में मुझे एक दोस्त लेकर आया था जिनसे तकरीबन मैं काफ़ी उठना बैठना है, वो पड़ोस में भी रहे मेरे, वो मुझे लेकर आया था कि चल आओ आप क्वेटा वाला चाहिए जो ना यूनिवर्सिटी में बना रहे। फिर मैं उनके साथ आया था, तकरीबन 8-9 महीने मैंने उनके साथ काम किया। अब ये है कि वो पार्टी तो चली गई थी, फिर भी मैं अलहमदिल्ला यहीं पर काम कर रहा हूँ। अलहमदिल्ला यहाँ के माहौल भी अच्छे और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, दिल से हम खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमें काम करने का इजी मौका, जो दिल से बंदे को मौका मिलता है कि यार हमें सही काम करने का मौका मिले, जहाँ पे बंदा मेहनत भी करे और उसको मुनाफा भी सही मिले। अलहमदिल्ला मिला है तो फैमिली में अलहमदिल्ला में तकरीबन 17 से 20 अप्रैल इसमें बच्चों को अलहमदिल्ला दुनियाई तालीम भी और दीनी तालीम भी दोनों के एतबार से उनके मेहनत करते हैं। और तकरीबन कुछ बच्चे हमारे साथ आते रहते हैं, यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, यहाँ से जब छुट्टी हो जाती है तो फिर ऑफिस जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं और इकरा वगैरह में भी पढ़ते हैं। जिसका जहन जिस तरफ जाता है तो कोशिश हमारा यही होती है कि उसको उसी तरफ रुख करें ताकि वो उस चीज़ को सही के साथ करें। तकरीबन इसको पोजिशन तो यही कि मैं खुद ही स्पोर्ट कर रहा हूँ, सारा खर्चा मुझे देना पड़ता है। दूसरी बात है कि स्टूडेंट की मेन चीज़ है स्टूडेंट के मोबाइल, 600 कैंपस वाले हैं, 690 कैंपस वाले हैं, 154 कैंपस वाले हैं, तीनों को अलहमदिल्ला इतनी तलब है चाय की भी और दूसरी उनका मोहब्बत है, बस हमारे पास आते रहते हैं। जैसे अब अगर अभी कभी कभी आते हैं अलहमदिल्ला स्टूडेंट से भी खुश है, स्टाफ से भी खुश है।